सी व्हाट्सअप गाइस कैसे आप सभी लोग। तो मैं आ गए एक और निकाल के वीडियो से वापस। एंड भाई इस वाले वीडियो में बताऊंगा कि भाई हाउ टू यूज आरपी कार्ड मिशन, मतलब कि जो आपके इन्वेंटरी में कुछ ऐसे आरपी कार्ड पड़ेंगे तो भाई क्या है इसकी यूज, क्या है इसके फायदे, क्या है इसका बेनिफिट, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा, है ना। तो दोस्तों कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, मतलब भाई जो पबजी मोबाइल साल भर से खेल रहा है, 10 महीने से खेल रहा है, वो दोस्तों इसके बारे में जानते होंगे। लेकिन भाई जो पबजी मोबाइल के न्यू यूजर है, मतलब कि जो पबजी मोबाइल 1-2 महीने से खेल रहे हैं, वो दोस्तों शायद इसके बारे में नहीं जानते होंगे, है ना। तो भाई इस वाले वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में दोस्तों, क्या है इसकी यूज, क्या है इसके फायदे, यानी कि दोस्तों आपको मतलब कहाँ कहाँ से मिलेगा वो भी दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। सर कुल मिलाएगा दोस्तों आपको वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो को अंत तक वॉच करना। एंड वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, एंड चैनल अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि भाई उनका भी हेल्प हो सके। सो विदाउट एनी मोर वीडियो को शुरू कर लेते हैं गाइज। सो गाइस चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ भाई आप आरपी की कार्ड कैसे परचेस कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों बताऊंगा कि आपका आरपी कार्ड का यूज़ क्या है ना। सो भाई आरपी कार्ड परचेस करने के लिए 3 तरीके हैं भाई। पहला तरीका है भाई आपको शॉप में जाना होगा, उसके बाद दोस्तों आपको आना होगा अपने बीपी में, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपको 5000 बीपी में एक आरपी कार्ड मिल रहा है। बट गाइस इसके लिए आपको प्राइम प्लस मेंबरशिप लेना होगा, मतलब कि यहाँ पर आएंगे सो आपको यहाँ पर प्राइम प्लस लेना होगा, तभी दोस्तों आपको ये मतलब कि ये वाला आपको बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब कि आपको आरपी कार्ड मिल जाएगा, है ना। तो यार दोस्तों यहाँ पर 85 रुपये, मतलब कि यार इंडियन करेंसी में 85 रुपये मांग रहा है, लेकिन यार हमारे पास पैसे नहीं तो हम लोग नहीं लेते, है ना। एंड भाई जिसके पास 85 रुपये आए, मतलब कि जिसने प्राइम प्लस लिया होगा भाई, वहाँ से दोस्तों आप ये मतलब कि 5 वीक स्कूल, मतलब कि यहाँ पर दिया है कि आप इसको 5 वीक तक परचेस कर सकते हैं, है ना। सो यार मतलब कि आप टोटल यहाँ से यार 25 आरपी कार्ड परचेस कर सकते हैं 5 करके 5 वीक में, है ना। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब कहीं चलते हैं अपने सेकेंड ट्रिक की ओर, भाई सेकेंड मतलब आपको दूसरा काम से मिलेगा। सो भाई दूसरा दोस्तों है आपका EZ लाइसेंस, है ना। एंड इस वाले मतलब कि आप फीचर का यूज़ करके भाई आप मतलब कि परचेस कर सकते हैं आरपी कार्ड बहुत ही आसानी से। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आता हूँ अपने मतलब मेरे पास भी नहीं है सो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। सो यहाँ से दोस्तों आप अगर इज़त लाइसेंस परचेस करते हैं तो आपको यहाँ पर आरपी कार्ड मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिखा है मतलब दिया है कि आपको मतलब आरपी कार्ड मिल जाएगा, है ना। तो इज़त लाइसेंस आप लेते हैं तो आपको आरपी कार्ड मिल जाएगा। एंड अगर आप 2 बार लेते हैं ना तो आपको 3री बार ऑटोमेटिक मतलब फ्री में मिल जाएगा इज़त लाइसेंस। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना। चलिएगा अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा ट्रिक, है ना। तो ये वाला ट्रिक बहुत ही ज़्यादा ईजी है भाई, सब लोग इसके बारे में जानते होंगे, मतलब कि 99% लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो आपको मतलब जो आपके आरपी रिवार्ड में मिलता है, मतलब कि ये यहाँ पर दोस्तों आपको मतलब कि आप करते हैं मिशन, सो यहाँ पर दोस्तों आपको 10 आरपी पर मिला है मेरे को एक, एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मतलब मिला होगा, है ना। सो जो आपके आरपी मिलता है भाई, वहाँ से दोस्तों आप मतलब कि इसका मतलब कि आप परचेस कर सकते हैं। जो आपके दोस्तों आरपी में यहाँ पर मतलब बहुत सारा मिलता है, यहाँ पर दोस्तों एक मिल रहा है, है ना। सो गाइस यार मतलब कि आप आरपी में से परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास रॉयल पास है तो भाई आपके पास मतलब कि आपके पास अपग्रेड रॉयल पास है, सो आपको दोस्तों यार बहुत ये कार्ड मिल जाएगा, है ना। सो गाइस अब बात है कि भाई इसका यूज क्या है, मतलब इसके क्या फायदे हैं, इसका क्या यूज, मतलब आपके पास 2-3 हो गया तो भाई आप 2-3 का यूज कैसे कर सकते हैं, इसके क्या फायदे हैं, है ना। सो गाइस इस वाले मतलब कि इस आरपी कार्ड का यूज करके आप अपने मिशन को पूरा कर सकते हैं, मतलब कि जो आपका ये आता है डेली मिशन और वीक वाला मिशन, तो इसको आप पूरा कर सकते हैं। मतलब भाई जो आपको लगे कि भाई ये टफ मिशन है और इसको हम लोग नहीं पूरा कर सकते हैं, सो इसको दोस्तों आप मतलब कि बिना मैच खेले आप मतलब कि पूरा कर सकते हैं ना। सो गाइस मतलब कि यहाँ पर दोस्तों मेरे को एक मिशन लगा था कि भाई हाँ ये काफ़ी हार्ड मिशन है, सो वहाँ पर दोस्तों मैं उसको कर लेता हूँ कम्प्लीट। तो सो मतलब कि यहाँ पर कौन सा है ना, सो यहाँ पर दोस्तों ये वाला था रूट, हाँ। तो सो गाइस यहाँ पर ये था क्योंकि भाई मतलब कि ये बोल रहा था कि भाई मेरे को 3 टाइम सोनोक में खेलना पड़ेगा, तो यार मेरे को नहीं खेलना सोनोक। सो यहाँ पर दोस्तों मैं दो मतलब मेरे पास 2 आरपी कार्ड है, सो इसका दोस्तों मैं यूज़ कर लेता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों ये मेरा मतलब मैच मतलब कि ये मेरा मिशन ऑटोमेटिक कम्प्लीट हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि मतलब कि बिना मैच खेले ये मेरा मतलब कि ऑटोमेटिक कम्प्लीट हो गया है। एंड यहाँ पर दोस्तों मैं इसको कर लेता हूँ कलेक्ट, एंड यहाँ पर दोस्तों मेरे को मतलब कि पॉइंट मिल गया, मतलब कि मेरे को 50 पॉइंट आरपी का मिल गया है। सो गाइस यही था इसका यूज, मतलब कि आप इस वाले आरपी कार्ड का यूज़ करके आप देखिए दोस्तों मेरे इन्वेंट्री में वो आरपी कार्ड हट गए होंगे, है ना। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोस्तों मेरे पास आरपी कार्ड नहीं, क्योंकि दोस्तों मैंने उसको यूज़ कर दिया। तो यार यही था इसकी यूज, एंड इसके दोस्तों यूज से आप अपना मिशन पूरा कर सकते हैं एंड अपने आरपी को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक मत देना, एंड चैनल पर आए पर तो चैनल सब्सक्राइब कर सको क्योंकि